याली मदद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन कीमा कटलेट्स, जिसे कटलेट्स भी बोलते हैं। आप चाहे तो चिकन कीमा भी यूज कर सकते हैं, और ये स्टार्टर है। तो आइए देखते हैं मटन कटलेट्स में किन किन चीजों की जरूरत है। ये मैंने मटन का कीमा लिया है, ये आधा किलो कीमा है। हरा धनिया काट के लिया है मैंने, ये एक मुट्ठी है। ये पुदीना मैंने बारीक काटा हुआ है, ये भी एक मुट्ठी है। अदरक लहसुन का पेस्ट एक टेबलस्पून, एक चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, अखा धनिया मैंने दरदरा सा कूट लिया है, ये एक टेबलस्पून, एक टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, पांच हरी मिर्च पीसी हुई, आप अपने टेस्ट के अनुसार लीजिए। ये पांच ब्रेड है, ये ब्रेड क्रम्स है, ये पानी रखा है मैंने, इसमें हम ब्रेड डुबा कर डालेंगे, मैं बताऊंगी। और ये आठ अंडे हैं, और ये तलने के लिए तेल लिया है मैंने। एकदम भी छोड़ कर रखा है, देखिए बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए इसके अंदर। इस तरीके से बिल्कुल छलनी में मैंने धो लिया है। अब इसमें मसाला डालेंगे सर, एक बड़ा सा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, धनिया पुदीना डालेंगे। पिसा हुआ हरी मिर्च डालेंगे। अब मिक्स करेंगे। इस तरीके से ब्रेड को भिगोएंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट होने दीजिए। ब्रेड सॉफ्ट हो चुका है, इसकी साइड्स निकाल दीजिए इस तरीके से। इस तरीके से बिल्कुल पानी निकाल दीजिए, इस तरह बिल्कुल, और ऐसे डालिए ऐसे। दबाकर निकाल लिया है पानी, और इस तरीके से डाल दिया है। और हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, बिल्कुल इस तरह से मिक्स करेंगे। मैंने एकदम देखिए किस तरीके से दो से तीन मिनट तक मैंने इस तरह से मिक्स किया है अच्छे से। देखिए बिल्कुल ब्रेड नहीं दिखना चाहिए इसके अंदर, इस तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए ऐसे ही रख देते हैं। देखिए इस तरीके से एक लीजिए, इस तरीके से इतना सा गोला बनाइए, इस तरीके से ब्रेड क्रम्स डालिए पेपर के ऊपर, इस तरीके से दबाइए बिल्कुल, इस तरीके से दबा हाथ दबाइए जोर से, तो साइड से यू राउंड, इस तरीके से, इस तरीके से साइड से राउंड कीजिए इस तरीके से। ये आधा किलो में तकरीबन 20 कटलेट्स बनेंगे। ये हो चुका है कटलेट्स। कटलेट्स किस तरीके से फ्राई करते हैं देखिए, इस तरीके से अंडे में डुबाते हैं, इस तरीके से हल्के हाथ से ये उठाकर, गरम तेल हो चुका है इसमें डाल देते हैं इस तरीके से। दोनों साइड 30 सेकंड हुए हैं, और ये देखिए इस तरीके से ब्राउन हुआ हो चुका है। ये कटलेट्स रेडी है, अब निकाल लेते हैं। इस तरीके से तेल बिल्कुल तेल निथार लीजिए। हरी चटनी है ये धनिया पुदीने की, पुदीना प्याज और नींबू के साथ सर्व कीजिए। मेरा वीडियो पसंद आया है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।